झांसी में इंटर की छात्रा पर हमला करने वाले आरोपी को कोतवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी फिल्टर रोड के पास कोतवाल तुलसीराम पांडे चौकी इंचार्ज नई बस्ती शशांक मिश्रा और एसओजी टीम ने की। आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया गया। गौरतलब है कि आरोपी ने सोमवार की शाम छात्रा पर उस वक्त हमला किया जब वो कोचिंग से लौट रही थी। तब से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर काफी दबाव था। इस पर काम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदनी वर्मा पर ब्लेड से हमला करके उसे घायल करने वाला दानिश खान कोतवाली पुलिस की पकड़ में आखिरकार आ ही गया। कोतवाल तुलसीराम पांडे शशांक मिश्रा चौकी इंचार्ज नई बस्ती और एसओजी को जानकारी मिली थी कि फिल्टर रोड के पास दानिश खड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक बैग बरामद हुआ है। बैग के अंदर कुछ कपड़े हैं और उसके अंदर एक चाकू भी था। उसके बाद पुलिस ने वो ब्लेड भी बरामद कर लिया जिससे उस दिन घटना अंजाम दी गई थी। दानिश के पकड़े जाने के बाद जो सामने आया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। दानिश सोमवार की शाम नंदनी को घायल करने के बाद झांसी से मुंबई भाग गया था। मुंबई जाकर उसने प्रयास किया कि उसकी एक रिश्तेदार वहाँ रहती है, खाला, उसके पास चले जाएं, बात कर लें। लेकिन खाला को जब ये जानकारी मिली कि दानिश ने इतनी बड़ी घटना अंजाम दी है, उसने इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद दानिश ने फ़ोन किया अपनी बहन को। बहन ने उसे बताया कि पुलिस बेहद सरगर्मी से दानिश की तलाश कर रही है। दानिश घबरा गया। उसके बाद उसने झांसी लौटने के लिए मन बनाया। झांसी लौटा। झांसी स्टेशन पर उसने देखा कि जीआरपी आरपीएफ खड़ी हुई है। दानिश ये भूल गया कि किसी भी ट्रेन के लिए जीआरपी आरपीएफ पुलिस को तो आना ही पड़ता है। लेकिन उसके मन का चोर, उसके मन का डर उसके सामने आया और वो झांसी नहीं उतरा। वहाँ से उसने रुख किया ग्वालियर का। लेकिन ग्वालियर से लौटने के बाद वो झांसी कैसे पहुँचा ये राज रहस्य है। लेकिन उसके पास से बरामद हुए हैं 150 रुपए। जानकारी ये भी मिली है कि दानिश के सपने बहुत बड़े हैं। दानिश कुछ बड़ा करना चाहता था, छोटा कोई काम उसे पसंद नहीं था, छोटी मजदूरी उसे पसंद नहीं थी। अब बात करते हैं कि आखिरकार वो घटना हुई क्यों थी। दानिश और नंदनी का संपर्क तकरीबन पिछले 5 सालों से था। ये बातचीत इनकी कहाँ शुरू हुई थी, कैसे, अब कोचिंग की बात सामने आ रही है, कहीं जिम की बात सामने आ रही है। हालांकि अब ये बात एक और जानकारी मिली है कि दानिश से उसकी दोस्ती अब कम हो गई थी। बात ये भी सामने आई थी गुड्डी के द्वारा, गुड्डी नंदनी की माँ, जिसने बताया था कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था नंदनी को, और जिसके बाद से नंदनी ने अपने घर से पैसे देना शुरू कर दिए थे दानिश को। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक तरफ जहां नंदनी का पूरा परिवार बिखर गया है, नंदनी हालांकि अब उसकी हालत काफ़ी ठीक है, लेकिन इतनी बात बिल्कुल सत्य है कि दानिश ने मनमानी करते हुए ब्लैकमेल किया नंदनी को, उस पर दबाव बनाया, जिसके बाद उसने घटना अंजाम दी। हालांकि आखिरकार उसको पकड़ लिया गया है, जिसके बाद से झांसी पुलिस ने राहत की सांस ली। कुलदीप अवस्थी, जीएमडी न्यूज़, झांसी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/